टाइटियंस ने फिर इतिहास बनाया है। पिछले 8 सालों में फर्स्ट नंबर पर रैंक करते आ रहा है नीट JEE और CET रिजल्ट्स में। IITians के 18 स्टूडेंट्स को MBBS गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिला है। अब तक की हाईएस्ट स्कोरर कुलसुम ने मुंबई के नंबर 1 कॉलेज GSMC केम हॉस्पिटल में एडमिशन हासिल किया है। JEE मेन और एडवांस में 2 स्टूडेंट्स ने IIT दिल्ली और IIT खड़गपुर ज्वाइन किया है। 6 स्टूडेंट्स ने 600 प्लस और 29 स्टूडेंट्स ने 500 प्लस स्कोर किया है नीट में। 11 स्टूडेंट्स ने 95% प्लस स्कोर किया है। MSc और CET में 6 स्टूडेंट्स ने 99 प्लस और 8 स्टूडेंट्स ने 98% स्कोर किया है। कांदिवली चारकोप में घर में ही खोली गई थी MD बनाने की फैक्ट्री। मालवनी पुलिस ने 2 को गिरफ्तार करते हुए मालवनी पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर किया MD के लैब का भंडाफोड़। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। गत 5 जनवरी को मुंबई के उपनगर मालाड और मालाड के परिसर का मालवनी, इस मालवनी पुलिस स्टेशन के पुलिस इंस्पेक्टर मारुति शेल के, असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर नीलेश सालुंग के और उनकी अन्य टीम, इन्होंने एक युवक को संदिग्ध अवस्था में पकड़ा। इस युवक की जब तलाशी ली गई तो इसके पास से 1 ग्राम MD और थीनर की 100 बोतलें बरामद हुई। इस युवक का नाम अबरार शेख है, यह मालवनी का ही रहने वाला है। अबरार शेख की गिरफ्तारी के बाद मालवनी पुलिस के इस टीम ने जब उससे कड़ाई से पूछताछ की तो अबरार शेख ने बताया कि ये MD ड्रग्स उसने कहां से लिया था। उससे मिली जानकारी के आधार पर कांदिवली चारकोप में संघवी स्टेट में समता वेलफेयर सोसाइटी है, गली नंबर 8 के अंदर एक मकान के अंदर नूर आलम महबूब आलम चौधरी, उम्र 24 वर्ष, इसे पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ा। और जब पुलिस ने नूर आलम महबूब आलम चौधरी के कांदिवली चारकोप से स्थित इस मकान पर छापामारी की तो पुलिस भी देख करके दंग रह गई। तो नूर आलम चौधरी ने अपने घर में ही MD बनाने का लैब बना रखा था, एक तरह से फैक्ट्री बना रखी थी। यहां पर पुलिस को तलाशी के दौरान MD के लिए, MD बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रॉ मटेरियल और तैयार MD 503 ग्राम जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 1,60,000 रुपए बताई जा रही है, वही अन्य सामान नूर आलम से पहले पकड़े गए अबरार, उसके पास से मिली थीनर बोतल, 1 ग्राम MD, रॉ मटेरियल और लैब के लिए इस्तेमाल होने वाली तमाम सामग्री, ऐसी कुल 1,17,60,000 रुपए का माल पुलिस ने यहां से बरामद किया है। वहीं इस कार्रवाई को लेकर मालवनी पुलिस ने जो कारनामा अंजाम दिया है और जिस नूर आलम चौधरी को पकड़ा है उसके बारे में पता चला है कि वो BHMS का छात्र रह चुका है, स्टूडेंट है BHMS का, और शॉर्टकट में पैसा कमाने के चक्कर में उसने ये रास्ता अपनाया है। अब पुलिस नूर आलम से कौन कौन MD खरीदता था, किस किस को नूर आलम सप्लाई करता था, इसकी भी जांच कर रही है। इस पूरे भंडाफोड़ के ऑपरेशन को लेकर पुलिस उपायुक्त अजय कुमार बंसल द्वारा एक पत्रकार परिषद लेकर पूरी जानकारी दी गई है। देखिए इस ऑपरेशन पर क्या बोले हैं पुलिस उपायुक्त अजय कुमार बंसल। मालवनी पुलिस स्टेशन में 5 तारीख को एक ड्रग्स पेडलर को अरेस्ट किया था जिसके पास से करीब 1 ग्राम MD मिला था। उससे इन्वेस्टिगेशन में पता लगा कि उसको सप्लाई करने वाला लालजीपाड़ा कांदीवली एरिया में ऑपरेट करता है। उस पर ट्रैप लगा के पुलिस ने पूरा इंफॉर्मेशन निकाल के जब रेड डाला तो लालजीपाड़ा के एक घर के अंदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लैब मैन्युफैक्चरिंग बनाकर वहां पर MD का मैन्युफैक्चर किया जा रहा था, बनाया जा रहा था। ऐसा सब इक्विपमेंट केमिकल्स पुलिस को स्पॉट पर ही मिले। एक आरोपी नूर आलम महमूद आलम चौधरी जो कि शिक्षण से BHMS डॉक्टर है, थोड़ा मतलब साइंस टेक्निकल बैकग्राउंड है, वो भी स्पॉट से ही पुलिस को मिला। और करीब 1 करोड़ से ज़्यादा कीमत का 503 ग्राम MD तैयार मात्रा में, प्लस उसको तैयार करने के बहुत सारे स्पॉट से ही पुलिस ने ताबे में लिए हैं। आरोपी को अरेस्ट करके अभी पुलिस आगे का इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इसमें कुछ और लोगों के शामिल होने की शक्यता है क्योंकि कौन इसको बेचता था, केमिकल्स कहाँ से आता था, इस सब के ऊपर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और अभी कम से कम पिछले कुछ महीनों से ये
यूनिट ऐसी चल रही थी, अभी तक की प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में ऐसा सामने आया। हमने 5 तारीख को एक ड्रग पेडलर को अरेस्ट किया था कुछ 1 ग्राम MD के साथ। उसके उसके ऊपर से जो इन्फॉर्मेशन मिला प्लस हमारे इन्फॉर्मर नेटवर्क के थ्रू, ये हमें आगे का इन्फॉर्मेशन मिल के वर्कआउट करने के बाद इसको अरेस्ट किया। सर, इंटरनेशनल मार्केट से इसका ताल्लुक है तो अभी बहुत प्रिलिमिनरी स्टेज पे इन्वेस्टिगेशन है, पर सभी एंगल हम इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं। ये तो अभी थोड़ा सा स्पेकुलेटिव होगी बात, बट बिल्कुल 100% हमारा तो पूरा 100% इसके अंदर एफर्ट मुंबई पुलिस की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, तो पूरा एफर्ट ले रहे हैं मुंबई पुलिस ने। कई पीछे नासिक औरंगाबाद कई जगह कार्रवाई किया और अभी आज लालजीपाड़ा में भी एक यूनिट पकड़ा है। आगे भी अगर कहीं भी इंफॉर्मेशन मिलेगा डेवलप करके हम काम कर रहे हैं इसको। अभी सप्लाई चेन के ऊपर हम वर्क कर रहे हैं, इट इज़ वेरी अर्ली, कल परसों रात का ही है। अभी कल उसको रिमांड में लिया गया है, कहाँ से उसको केमिकल्स कहाँ से सप्लाई होता था, नॉलेज किधर से है, खुद भी वो थोड़ा साइंस बैकग्राउंड का है, और आगे कहाँ कहाँ सप्लाई कर रहा था उसके ऊपर अभी हम वर्कआउट कर रहे हैं। अभी मीडिया को डिस्क्लोज करना थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन को इम्पेक्ट कर सकता है। ये अभी तक कुछ महीनों से कम चल रहा है ऐसा दिख रहा है, एग्जैक्ट अभी कहना।